हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्वे के बारे में। ठीक है, तो देखो प्लेन टेबल सर्वे का हम यहाँ पर प्रिंसिपल को हम यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है बता देता हूँ मैं आप लोगों को, कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे जो है जो होता है आपका, वो होता है पैरेललिज्म का प्रिंसिपल। ठीक है, किसका होता है? पैरेललिज्म का प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि पैरेललिज्म के प्रिंसिपल से हमारे पास लेना देना क्या है या पैरेललिज्म का प्रिंसिपल आपका होता क्या है, ये सारी बातें अभी हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज क्या है कि सर यहाँ पर मान लो एक ओ पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, पॉइंट है, मान लो एक ग्राउंड के ऊपर ओ पॉइंट है और इसको मैंने पेपर शीट के ऊपर रखा हुआ है स्मॉल ओ पॉइंट। ठीक है, शीट के ऊपर मैं स्मॉल ओ पॉइंट लिखूंगा, ग्राउंड के ऊपर कैपिटल ओ पॉइंट में यहाँ पर जनरली यहाँ पर मेरा शोन रहेगा। ठीक है, तो जब भी मैं ग्राउंड के ऊपर बोलूंगा तो कैपिटल लेटर्स में लिख दूंगा। मान लो ए पेपर जो है, ए जो है कैपिटल ए पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है आपका बी पॉइंट है ना, ये बी पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट को यहाँ पर मैं ओ पे रखा, एलिडेट रखे मैंने बी की तरफ, साइटिंग की, साइटिंग करने के बाद मैंने ओ बी की डिस्टेंस निकाली चेन या टेप की मदद से और सूटेबल स्केल के थ्रू मैंने क्या कर दिया, इस पेपर के ऊपर ड्रॉ कर दिया। प्लेन टेबल है मेरा, हाथों हाथ ही ड्रॉ हो रहा है हमारे पास, ड्रॉ कर दिया। तो इसको ड्रॉ करने के बाद इसको मैं स्मॉल बी पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, इस बी को मैंने स्मॉल बी पॉइंट लिख दूंगा। ठीक है, ऐसी ओ से यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा ए, इस ए पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया होगा, साइटिंग की होगी। साइटिंग करने के बाद वही फिजिशियल एज की तरफ हमने यहाँ पर देखते हुए हमने क्या कर दिया, एक मैप लोड किया। मैप लोड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इस ए पॉइंट को मैंने यहाँ पर शो किया स्मॉल ए पॉइंट से। कैसे? स्मॉल ए से। ग्राउंड के ऊपर कैपिटल है, इसके ऊपर आपको दिख रहा है स्मॉल है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आपको यहां पर दिखना है कि सर देखो यहां पर आपने रखा है ना, तो पैरेललिज्म का मतलब होता है कि जितनी भी रे आपने ड्रॉ की है, ये ड्रॉ जो है पेपर के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर दोनों एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है कि सर यहां पर देखो सबसे पहली लाइन लिखता हूं मैं आपको, उसको वापस से देखना, वापस से करने की कोशिश करना। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे इज पैरेललिज्म। अब सर इसका मतलब क्या होता है? डेट इज रे ड्रोन ऑन पेपर मस्ट बी पैरेलल टू द टू दी लाइन ऑन ग्राउंड, टू दी लाइन ऑन ग्राउंड। अब देखो वापस से देख लो आप लोग। ठीक है, मेरी जो ओ बी है, देखो ये ओ कैपिटल बी, देखो ओ कैपिटल बी का है हमारे पास लाइन है ग्राउंड के ऊपर, जिसके ऊपर हमने चेन सर्वे किया है। ठीक है, और यहां पर हमने इसको जो खींचा है यहां पर, तो ये ओ बी जो है एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल कंडीशन में दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, तो पहली चीज हमने यहां से देख ली कि लाइन जो है दोनों की दोनों पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे किसी भी कारण से इस पर्टिकुलर टेबल को उठा के ए पे रखना पड़ रहा है, मान लो ए के ऊपर उठा के रखना पड़ रहा है, तो यहां से उठा के यहां पे रखोगे ना, तो एग्जैक्टली यहां पर जैसे रखी थी ऐसे ही एग्जैक्ट पोजीशन पे आप वहां पर यहां पर आके रखोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पैरेललिज्म रखना है आपको हमेशा, अदरवाइज क्या होगा, डिस्टोर्शन आ जाएगा आपके मैप के अंदर। ठीक है, तो आप यहां पर जब भी जाओगे, जब भी आप यहां पर गए, मान लो ये पॉइंट है आपके पास, ये पॉइंट है आप ए के ऊपर, अब ए के ऊपर सेंटरिंग कर दिया आपने ना, ये ए के ऊपर सेंटरिंग कर रखी पूरी की पूरी। ठीक है, तो अब भी आप लोग देखें तो अब भी आपको लग रहा होगा कि ये जो ओए लाइन है, देखो ये ओए लाइन है, ओए लाइन है, तो पेपर के ऊपर लगा हुआ है, देखो जो रेड कलर से मार्क है ये पेपर के ऊपर मार्किंग है। ठीक है, पेपर के ऊपर मार्किंग है, पेपर के ऊपर लिख दिया तो पेपर के ऊपर छपा ही रहेगा। बिल्कुल, ये पेपर के ऊपर छपा हुआ है अभी भी, है ना। तो ये OA लाइन, अब भी देखो इस OA लाइन से जो ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर कैपिटल O और यहां पर होगा कुछ A पॉइंट होगा, इसके नीचे होगा, है ना, कहीं दिखा नहीं पा रहा हूं मैं आपको, ये OA लाइन के अभी भी पैरेलल है। ठीक है, और साथ के साथ ही आप उठा के देखो तो यहां पर जो आपको OB दिख रहा है ना, ये जो OB लाइन दिख रही है, ये जो OB लाइन, आप चाहे ये वाली उठा लो चाहे ये वाली उठा लो आप, है ना, O कैपिटल B, और ये वाली लाइन और ये जो OB लाइन है अब भी एक दूसरे के पैरेलल है। देखो ये OB और ये कैपिटल OB, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, यानी कि आपको सेम पोजीशन में लेके आना है, सेम पोजीशन में ओरिएंट करना है, इसी को हम यहां पर प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म कह देते हैं। चाहे आप इसको उठा के दूसरी जगह भी रख दोगे ना इस चीज को, अब देखो इसको इस पोजीशन में लाने का ऑपरेशन, इसको इस पोजीशन में लाने का ऑपरेशन, देखो उसको उठा के लेके गए तो हो सकता है ऐसे रख दिया हो, ऐसे रख दिया हो, ऐसे रख दिया हो, है ना, लेकिन उसको उठा के बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इस पोजीशन के बराबर में लेके आना, इसी ऑपरेशन को आप यहां पर ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो जाता है आपके पास, कि सर इसको एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे लाना जैसा पिछले वाले स्टेशन के ऊपर रखी हुई थी हमारी प्लेन टेबल, उसी ऑपरेशन को आप यहां पर क्या बोल देते हैं, ओरिएंटेशन बोल देते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है।
अभी फिलहाल देख लिया सर, प्रिंसिपल ऑफ द प्लेन टेबल सर्वे इज पैरेललिज्म, दैट इज रे ड्रॉन ऑन पेपर मस्ट बी पैरेलल टू द लाइन ऑन ग्राउंड। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट 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 पॉइंट लिखो आप यहां पर। तो देखो द प्लेन टेबल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा द प्लेन टेबल मस्ट ओनली बी, द प्लेन टेबल मस्ट ओनली बी टर्न फॉर ओरिएंटेशन पर्पस। ठीक है, ऐसे बेफालतू नहीं घुमाते रहोगे, है ना। ओरिएंटेशन करना है उसी टाइम पे आपको घुमाना है यहां पर, आप घुमा के रख दिया। ठीक है, अब यहां पर हो गया ओरिएंटेशन। ठीक है, अब इसको क्या कर देना, क्लैंप कर देना अपनी पोजीशन के ऊपर, यानी कि हमारी जो प्लेन टेबल है उसको उसी की पोजीशन के ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लैंप कर देना। अरे घुमाते थोड़ी रहोगे यार, इसको घुमा के थोड़ा सा इधर लेके आओ तो लाइन क्या हो जाएगी, लाइन पैरेलल रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म चलेगा, नहीं चलेगा। फिर आगे कोई भी आप ऑपरेशन करने जाओगे और सारा ऑपरेशन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि देखो इस जगह अगर मैं बात करूं प्लेन टेबल सर्वे के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्या चलता है जनरली, देखो यहां पर डायरेक्टली साइटिंग चलती है, एंगल का मेजरमेंट नहीं होता डायरेक्ट, ना तो लेंथ मेजरमेंट करते हैं ना डायरेक्ट एंगल का मेजरमेंट होता है। यहां आप डायरेक्ट पहले मैप बनाते हैं, उस मैप के ऊपर आप यहां पर प्रोटेक्टर रखते हैं, प्रोटेक्टर रख के आप एंगल को बाद में मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि पेपर आपने पहले बना दिया, प्लान आपका पहले बन गया, मैप आपका ऑलरेडी रेडी है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के आप बाद में एंगल डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कोई आपके पास गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए मैप बनाने में, अदरवाइज सारा का सारा मामला खराब हो जाएगा आपका, है ना। ठीक है, तो डिस्टोर्शन से बचने के लिए हम यहां पर क्या रखते हैं, इसको बिल्कुल पैरेलल रखते हैं। पैरेलल रखने की टेक्निक से वो ओरिएंटेशन के टेक्निक्स के अंदर हम यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे की बात करें मैं आप लोगों से कि चलो चलो ठीक है सर, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, तो सर इतनी बात तो आ गई हमारी समझ में कि द प्लेन टेबल मस्ट ओनली बी टर्न्ड फॉर ओरिएंटेशन पर्पस। ठीक है, अब इसके बाद आगे आगे एक लाइन और लिख लेता हूं कि वंस एग्जैक्ट ओरिएंटेशन is obtained the table must be clamped in position। ठीक है, एक बार हो गया तो टेबल को क्लैंप कर दो, घुमाओगे फिराओगे टेबल को तो लाइनें चेंज हो जाएगी आपकी। अब देखो इसे घुमा के बताता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, तो देखो अगर मान लो इसको मैंने ऐसा नहीं रखा होता, ठीक है, अब इसको मैंने ऐसा नहीं रखा होता, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा रख दिया होता। ठीक है, मान लो ये ऐसा रख दिया थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करते ही आपके पास ये क्या हो गई, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन आपके पास चेंज हो गई। देखो पहली लाइन तो मैंने यहाँ पर बना दी और दूसरी लाइन मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, हो गई बिल्कुल। अब ये ओई की लोकेशन सही नहीं है। ठीक है, अब इस जगह से आप जो तीसरी रीडिंग मेजरमेंट कर रहे हो, अब यहां पर मान लो यहां से आपको एक और लोकेशन निकालनी है, किसी डी पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, डी पॉइंट की लोकेशन निकालनी है। अब इस जगह से अगर आपने डी पॉइंट की लोकेशन निकाली तो डी पॉइंट की लोकेशन आपके पास गलत आ जाएगी। देखो अब डी पॉइंट को आप बनाओगे यहां पर, है ना, ये डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को बनाओगे आप लोग। ठीक है, इस डी पॉइंट को बनाया मैंने यहां पर, इसकी तरफ साइटिंग कर दी। देखो थोड़ा सा ना ब्लैक डॉटेड लाइन भी थोड़ी सी आगे बढ़ा देना। ठीक है, अब इस डी पॉइंट को आपने यहां पर आगे बढ़ाया, लेकिन क्या होगा, ये पोजीशन आपके पास डी की आपके पास गलत निकल के आएगी। देखो डी की पोजीशन आपकी गलत निकल के आएगी। क्या डी यहीं पे होता था क्या, नहीं। क्या ये इतना एंगल बनेगा कि ओ से डी के बीच में, सॉरी ये इतना एंगल बनेगा कि आपके पास ए से डी के बीच में, ए है ये डी पॉइंट है, क्या इतना एंगल बनेगा क्या, नहीं। बनना कितना था, इतना बनना था, यानी कि प्लोटेशन आपकी कितनी हो गई, गलत हो गई। ठीक है, ओरिएंटेशन इसीलिए रिक्वायर्ड रहती है कि आगे आप जो भी पोजीशन लेने वाले हो वो सारी पोजीशन आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। इसीलिए आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, ये काम नहीं करने आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए बचना है इन सब चीजों से, इसलिए ओरिएंटेशन आपको यहां पर मेंटेन रखना पड़ेगा हमेशा की तरह। ठीक है, तो ये बात लिख दी कि एक बार आपको पोजीशन मिल गई तो उसके बाद आप क्लैंप कर दें, उसके बाद छेड़खानी नहीं करनी है आप लोगों को प्लेन टेबल के साथ, है ना। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा घुमा के देख लेता हूं, मजा आना सर ऐसे झूले बुले, है ना, ऐसे झूले बुले नहीं बनाने। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे एक और पॉइंट, और पॉइंट लिख लेते हैं, एक और पॉइंट कि वाइल टेकिंग साइट्स। ठीक है, तो देख लेते हैं वाइल टेकिंग साइट्स द टेबल मस्ट बी क्लैंप्ड एंड एलिडेड
शुड बी सेंटर्ड। देखो सुनने की बात क्या, देखो शुड बी सेंटर्ड, अब सेंटर्ड कहां पे, ऑन द पॉइंट ऑफ मैप, ऑन पॉइंट ऑफ मैप, ऑन पॉइंट ऑफ मैप। चलो देखो इसको भी देख लो, चलो ठीक है पूरा लिख लिया, ठीक है सेंटर्ड से भी काम चल जाता, लेकिन ठीक है देख लो। वाइल्ड टेकिंग साइट्स, वाइल्ड टेकिंग साइट्स, तो जो आप जब भी साइट ले रहे हो, तो साइट लेते वक्त आपको क्या करना है कि सर यहाँ पर जब आप यहाँ पर रख रहे हो ना, जब आप ध्यान ही दे रहे हो, सारा कुछ ही ध्यान दे रहे हो, तो ये चलो ये वाली बात भी हम यहाँ पर ध्यान से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसी पे देख लो आप कि सर मान लो ओ ओ से लेके मुझे ए की रीडिंग लेनी थी, ठीक है, तो यहाँ पर एलिडेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है आपको, ठीक है, एलिडेट को क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से रखना है। तो ये एलिडेट को आपने रखा अच्छे तरीके से, देखो उसके पास रख दिया मैंने ना, मान जाना ठीक है, तो ओ के ऊपर अच्छे तरीके से एलिडेट को रखना, क्योंकि एलईडी की पोजीशन एसी आपके पास मार्किंग करने के काम में आएगी, ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि सर एलईडी को अच्छे तरीके से सेंटर करके लाना, कि सर जिस पॉइंट से आप प्लॉट कर रहे हो ना, उस पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से सेंटर पोजीशन पे होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड का पॉइंट आपके पेपर के ऊपर आ जाए, उस पेपर के ऊपर आप एलईडी भी रख पाओ, एलईडी से फिर साइट लोगे तो आपकी एग्जैक्ट लाइन ऑफ साइट आएगी, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को क्या रखनी, थोड़ी सी याद रखनी कि सर एलईडी कहां रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, किसी ऐसा नहीं है कि सर इधर ओए लेना है, इधर रख दिया, थोड़ा सा इधर अगल बगल में रख दिया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रखना, ठीक है, ओके समझ गया बात को, चलो ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों ने देख ली, नोट डाउन कर ली, आप लोगों को बता दी मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट देखो आप, है ना, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट तो आपके पास नॉर्मल है कि फोर पॉइंट, देखो ये मैं मेरे हिसाब से लिखा रहा हूं आपको, है ना, फोर पॉइंट ए बी सी, ए बी सी ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड ए बी सी ऑन मैप या पेपर, इज यूज्ड ऑन ड्रॉइंग शीट्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने लिख दिया कि देखो आपको अब ये वाले पॉइंट जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ग्राउंड के ऊपर है, तो आपको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऑन द मैप या फिर पेपर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट है, लास्ट लास्ट पॉइंट में दिखा रहा हूं, लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, है ना, इसको स्टार मार्क लगा दो, दो पॉइंट आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी सब तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन इन दो को अच्छे तरीके से याद करके जाना, एक तो पहला पॉइंट नहीं मिस करना है आप लोगों को, एक लास्ट वाला पॉइंट नहीं मिस करना है आप लोगों को, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिस करोगे तो दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट को लिख लें सबसे पहले, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पहले लिख देते हैं फिर बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड ऑन, रिप्रेजेंटेड ऑन मैप विद देयर ओन प्लॉटेड पोजिशन अबाउट द पेपर एंड लाई ऑन देयर रेस्पेक्टेड रे। देखो ढंग से पढ़ो, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड ऑन मैप विद देयर ओन प्लॉटेड लोकेशन, देखो या पोजिशन, ठीक है, यानी कि देखो ओ पॉइंट अगर ग्राउंड के ऊपर है तो ओ पॉइंट को ओ के हिसाब से आप यहां पर क्या करें, आप क्या करें अपने पेपर के ऊपर प्लॉट करें, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको प्लॉटेशन करना है। ऐसा नहीं है कि ए पॉइंट कहीं और है, कहीं और प्लॉट कर रहे हो आप, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, तो किसी पिछले वाले पॉइंट के रेफरेंस में आप देख लेना, जो रिलेटिव पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, किसी पॉइंट को रिलेट करते हुए कि सर एक रेफरेंस आपने पॉइंट एक बार मान लिया ना, एक बार रिलेटिव पोजीशन आपने किसी के निकाल दो, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन है वो आपकी उसके बिल्कुल जो प्लॉटेड पोजीशन है उसी प्लॉटेड पोजीशन पे आपकी ड्रॉ होनी चाहिए, यानी कि ओ पॉइंट जो है ओ पॉइंट के ऊपर ही ड्रॉ होना चाहिए। देखो ओ पॉइंट तो चलो मान लो ओ पॉइंट को आपने यहां पर रिलेटिव पोजीशन देख ली, ठीक है, ओके, अब यहां से देखो, चलो ओ पॉइंट के, ओ पॉइंट को आप यहां पर रिलेटिव पोजीशन मान लेते हैं, अब यहां पर ए पॉइंट को देखो आप, ठीक है, ए पॉइंट को देखो, तो ए पॉइंट को आप यहां पर जहां ए दे रखा है ना, इसको बिल्कुल इसको रिलेट करते हुए, जो सूटेबल स्केल है सूटेबल स्केल को लेते हुए आप यहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे ए को ए पे, ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है, नेक्स्ट चीज आपके पास लिखी हुई है कि पोजिशन अबाउट द पेपर एंड लाइन ऑन देयर रेस्पेक्टेड रेज, और ये इसी लाइन के ऊपर आपके पास होना चाहिए, यानी कि देखो
O से हम यहां पर मान रहे हैं, O से रिलेटिव पोजीशन देख रहा हूं मैं, ठीक है। अभी O से रिलेटिव पोजीशन देख रहा हूं, O से रिलेटिव पोजीशन देख रहा हूं, A की पोजीशन देख रहा हूं, ठीक है, A की पोजीशन देख रहा हूं, ठीक है, A की पोजीशन देख रहा हूं। तो सर A को जब आप यहां पर प्लॉट करोगे तो इसको इसी के रिलेटिव आपको यहां पर करना है, इसकी रिलेटिव पोजीशन ही आपको शो करनी है। O से A की जितनी डिस्टेंस है यहां पर भी O से A की उतनी डिस्टेंस शो करनी चाहिए, बस स्केल का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन आपको A को A की जगह रखना है, यूनि आइट साइड पर रख दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो पहली लाइन, तो पहला पॉइंट तो ये कह रहा है आपसे कि सर आपको क्या रखना है कि आपको ग्राउंड के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको उसकी खुद की प्लॉटेड पोजीशन के ऊपर रखना है, इधर उधर नहीं करना है, यानी प्लॉटिंग के अंदर आपको एरर नहीं रखनी है। सिंपल सा इतना सा ही कहना है इसका, और कुछ नहीं कहना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट कहना चाह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कहना चाह रहा है आपसे कि सर ये उसी लाइन के रे के ऊपर होना चाहिए। देखो इसी रे के ऊपर है ये, क्या ये ओ ए रे के ऊपर ही, क्या ये देखो ओ कैपिटल ए वाली रे के ऊपर ही है, या ओ स्मॉल ए आपके पास यहां पर दिख रहा है क्या भाई, ओ ए रे के ऊपर ही, क्या ये ए पॉइंट दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है ना ये ए पॉइंट ओ ए रे पे। यहां पर सेम तरीके से देखो ये जो बी पॉइंट, क्या ओ बी वाली रे के ऊपर ही दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो यही आपसे कह रहा है, बस लास्ट वाला पॉइंट है ना, ठीक है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। ये पॉइंट हो गया तो ये आपके पास सीधा सीधा आपको पैरेलल लेंथ को क्या कर देगा, डिनोट कर देगा, ठीक है, ओके। आगे बात समझ में, बिल्कुल। तो ये हो गए हमारे प्रिंसिपल्स खत्म। अब यहां पर बात करते हैं आगे की तरफ, अब एरर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एरर, एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। तो टोटल दो तरह की एरर आपके पास हो सकती है प्लेन टेबल सर्वे करते वक्त, है ना, आपके पास एक हो सकती है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक हो सकती है आपके पास ह्यूमन एरर या पर्सनल एरर, ठीक है। सबसे पहले जिस एरर के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो होती है आपके पास इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर आपके पास क्यों अराइज होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपके खराब है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमारे खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट के अंदर सर क्या क्या खराबी आ सकती है, उनको एक एक लाइन के तौर पर हम यहाँ पर आपको सामने में आप लोगों को बता देता हूँ, एक एक लाइन के रूप में आप यहाँ पर देख लेना है, ठीक है, एक एक लाइन के रूप में दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला एरर आपके पास क्या हो सकता है, देखो सरफेस ऑफ प्लेन टेबल, सबसे पहला हो सकता है सरफेस ऑफ प्लेन टेबल, सरफेस ऑफ प्लेन टेबल इज नॉट एब्सोल्यूटली प्लेन, ठीक है। देखो नाम प्लेन टेबल सर्विस, आपकी प्लेन टेबल ही क्या नहीं है, बिल्कुल अच्छे तरीके से स्मूथ नहीं है, या फिर मैं कुल मिला के कह दूं आपके पास प्लेन नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो सर यहां पर क्या होगा आपके पास, अगर देखो प्लेन नहीं है ना सर्फेस, अगर आपकी सर्फेस ही प्लेन नहीं है तो आप यहां पर कुल मिला के क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि सर यहां से जो एंगल लेंगे तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिग्री की आपके पास एक्यूरेसी की थोड़ी सी कमी आ जाएगी आपके पास, है ना। क्योंकि देखो जो प्लान या मैप आप यहां पर बना रहे होते हो तो आप क्या बनाते हो सर, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए ना, प्रॉपर हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए, बिल्कुल। अब यहां पर प्लेन ही नहीं है तो हम यहां पर कैसे बात कर सकते हैं कि हमारे पास यहां पर डिस्टॉर्शन नहीं देखने को मिलेगा, या फिर हमें यहां पर मैप जो है गलत नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो सकता है, इसलिए हमें यहां पर याद रखना है कि सर सरफेस ऑफ प्लेन टेबल इज नॉट एब्सोल्युटली प्लेन, तो ये भी आपके पास एक रीजन आ जाता है। अच्छा, एक आती है कोस्ट सर्वे टेबल के नाम से, देखो प्लेन टेबल सर्वे के भी टाइप होते हैं, ठीक है, थोड़े से, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं बता जा रहा, लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि फॉर डिग्री ऑफ प्रिसीजन अगर आपको बहुत अच्छा चाहिए तो कोस्ट कोस्ट कोस्ट, देखो नाम लिख देता हूं आप लोगों के सामने यहां पर, ठीक है, साइड में कोस्ट कोस्ट सर्वे टेबल, ठीक है, इस नाम से आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको प्रिसीजन थोड़ा सा ज्यादा चाहिए तो आप इस तरह की टेबल आप लेके आ सकते हैं, प्लेन टेबल का ही आपके पास टाइप है, इसके अलावा जैक्सन टेबल भी आती है, लेकिन ठीक है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास याद रखना है फॉर वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन इस टेबल को आप यहाँ पर जनरली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नोट डाउन करके साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अगर प्लेन नहीं है तो सर ये भी आपके पास क्या करेगा, ये भी एक तरह के इंस्ट्रूमेंटल एरर है, क्योंकि प्लेन टेबल हमारे पास क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सेकंड तरह से अगर मैं आपसे बात करूं तो सेकंड देखो आपके पास, सेकंड है आपके पास फिड्यूशियल एज, ठीक है, फिड्यूशियल एज ऑफ एलिडेड इज नॉट स्ट्रेट, देखो फिजिशियल एज या बेवल्ड एज जो होती है हमारे पास उसके ऊपर ग्रेजुएशन मार्क्ड रहती है ना, जिसके थ्रू हम यहाँ पर क्या करते हैं सूटेबल स्केल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगर वही स्ट्रेट नहीं है तो आप जो लाइन खींचेंगे लाइन भी सीधी खींचेगी क्या, नहीं खींचेगी, ठीक है। अगर मान लो इस तरह का आया आपके पास, ठीक है, ये जो आपके पास फिजिशियल एज है, ये देखो ये फिजिशियल एज सिर्फ इतना सा बना रहा हूँ मैं आप लोगों का ना, ये ऐसा नहीं हो कि ये थोड़ा सा ऐसा है, स्ट्रेट नहीं है, तो आप लाइन खींचोगे ना पेंसिल से तो लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आएगी, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि सर लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी आएगी हमारे पास, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आना चाहिए था मैप वो एग्जैक्ट मैप आपके पास नहीं आ पाएगा अगर फिजिशियल एज ऑफ एलिडेट अगर आपकी स्ट्रेट नहीं है तो, ठीक है। ग्रेजुएशन मार्क्ड होती है जिसके थ्रू आप यहाँ पर लाइनिंग वगैरह खींचते होते हैं, ठीक है। दो पॉइंट हो गया हमारे पास, तीसरा पॉइंट देखो आपके पास, तीसरा पॉइंट है आपके पास
साइट वेन ऑफ एलिडेड, साइट वेन्स ऑफ एलिडेड इज नॉट ट्रूली वर्टिकल टू द बेस। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, ये हम यहाँ पर जो साइट वेन्स है ना, ये एलिडेड है, एलिडेड का एक और नाम बताया था मैंने आप लोगों को, एलिडेड को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, एलिडेड को हम चाहें तो यहाँ पर हम बोल देते हैं साइट रूल भी बोल देते हैं, ठीक है, साइट रूल के नाम से जानते हैं यहाँ पर एलिडेड को, ठीक है, तो आप लोगों को ये नाम भी पता होना चाहिए इसका, ठीक है, देख लेना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा अभी, ठीक है, अच्छा देखो देखो इस साइड तो हमने कह दिया कि सर ऑब्जेक्ट वेन तो 90 डिग्री पे है, मान लो है ना, देखो बना तो नहीं है मेरे से, हालांकि अब मानने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, पर ठीक है मान लो यार, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट वेन बना रहा हूँ मैं इस साइड, ठीक है, और इस साइड मैंने यहाँ पर ये आई वेन बनाई है, ठीक है, कंपेरेटिवली छोटी होती है आपके पास, है ना, आई वेन, ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, ये तो आपके पास वर्टिकल है, मान लो ये तो 90 डिग्री का है ना, यार मान लो लग तो नहीं रहा है, ठीक है, पर ठीक है मानना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, ठीक है, चलो देखो 90 डिग्री का है ये, तो हमने 90 डिग्री का रखा हुआ है, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, ट्रूली वर्टिकल नहीं है, टू द बेस पॉइंट, ठीक है, तो साइटिंग जो आप करोगे ना, तो साइटिंग में आपके पास यहाँ पर पहली बात तो दिक्कत आएगी, दूसरी बात गलत वैल्यूज भी आपके पास आ सकती है, ठीक है, क्योंकि आप किसी न किसी एंगल के ऊपर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार देखो आप यहाँ पर ना छोटा सा ये कर लेना, ठीक है, देखो ये छोटा सा ना, छोटी सी आप स्लिट काट लिया करो, छोटा सा स्लिट काट लिया करो, ये छोटी स्लिट काटी हुई आपने, इस स्लिट के थ्रू आप देखने की कोशिश करो, एक बार ट्रूली वर्टिकल रख के देखो, एक बार टेढ़ा रख के देखो, आपको खुद को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कि क्यों करना है क्यों नहीं करना है आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आपके पास वेन होती है ना, जो आई वेन होती है, आई वेन के ऊपर छोटी स्लिट लगी होती है, स्लिट का मतलब क्या है, सीधी बात है, स्लिट का मतलब छोटी से स्मॉल ओपनिंग है आपके पास, है ना, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है, आप खुद ही करके देख लो इस प्रैक्टिकल को, इसको बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों के सामने, साइट वेन ऑफ द एलिडेड अगर नॉट ट्रूली वर्टिकल रहेगी बेस से तो क्या आपके पास क्या हाल आपके पास होने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखो आपके पास, ठीक है, प्लेन टेबल, नेक्स्ट है आपके पास प्लेन टेबल क्लैंप बीइंग लूज। अच्छा देखो अगर मेरा प्लेन टेबल का जो क्लैंप है वो थोड़ा सा लूज है, तो प्लेन टेबल पे मैं जैसे हल्का सा यहां पर हाथ भी रखूंगा ना, तो क्या कर देगी, हल्के से घूम जाएगी, तो हमारे पास क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हमारे पास हो जाएगा ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होने से क्या होता है, हमारे पास मैप के अंदर डिस्टॉर्शन आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर मैप खराब हो जाता है, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो जाती है ऐसी जो हम यहाँ पर नहीं चाहते, ठीक है, यहाँ पर कह देता हूँ, यहाँ पर इसके साइड में लिख देता हूँ आपको, इट डिस्टर्ब्स ओरिएंटेशन, ठीक है, इट डिस्टर्ब्स ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर लिखेंगे हम यहाँ पर, कि सर जो आपके पास है मैग्नेटिक नीडल अगर मान लो स्लगिश हो जाए, ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं स्लगिश मैग्नेटिक नीडल। अब आप पूछेंगे सर स्लगिश मैग्नेटिक नीडल से मतलब क्या है, देखो आपके पास यहां पर देखो मैग्नेटिक नीडल तो काम आएगी आपको, क्योंकि डायरेक्शन आपको दिखाती है ना, ओरिएंटेशन करने में हेल्प करती है आपकी मैग्नेटिक नीडल, क्योंकि आप नोट से नोट को मिला दोगे तो पूरी टेबल वापस से वैसे वैसी ओरिएंट हो जाती है, ठीक है, सीधी सीधी बात है, नोट से नोट को मिला दिया मैंने, पहले भी सर नोट्स में रखी हुई थी, नोट इस डायरेक्शन में, तो आप भी नोट इस डायरेक्शन में, सेम एक्जैक्टली है ना, रख दिया नोट को नोट से मिला दिया तो टेबल ओरिएंट हो जाती है, बहुत इजी सी बात है ना। तो अब मैं आपसे बोल दूं कि सर स्लगिश मैग्नेटिक नीडल का मतलब सीधा सीधा है कि सर आपकी अगर मैग्नेटिक नीडल थोड़ी सी स्टिकी टाइप की है, वो चिपक जा रही है, या फिर वो जो है प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पा रही है ना, अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पा रही, मूव करने में उसको कुछ छोटा मोटा ऑब्स्ट्रक्शन आ रखा है, तो इस चीज को आप स्लगिश मैग्नेटिक नीडल बोल देते हैं। तो सर उस केस में क्या ये नॉर्थ बिल्कुल ट्रू नॉर्थ को दिखाएगा, ट्रू तो नहीं सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ को दिखाएगा, नहीं दिखाएगा सर, ट्रू नॉर्थ तो वैसे भी कभी नहीं दिखाता है ना, ठीक है, तो क्या ये जो नॉर्थ है आपको, जो मैग्नेटिक नॉर्थ आपको चाहिए उस टाइम पे, क्या उसको दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो यही आपके पास कहलाता है स्लगिश मैग्नेटिक नीडल वाला मामला, ठीक है, तो यहां पर स्लगिश का मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के सामने स्टिकी ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक नॉन मूवेबल, ठीक है, ओके बिल्कुल, मैग्नेटिक नीडल भी स्लगिश होगी। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट देखो स्लगिश नेक्स्ट पॉइंट है स्लगिश
या डिफेक्टिव स्लगिश या डिफेक्टिव बबल ट्यूब, स्लगिश या डिफेक्टिव बबल ट्यूब। अगर देखो बबल ट्यूब आपकी स्लगिश है या बबल ट्यूब आपकी डिफेक्टिव है, ठीक है, तो जो आपको बबल ट्यूब क्या दिखाती है, बबल ट्यूब आपको बताता है कि आपका जो प्लेन टेबल है क्या वो प्रॉपर तरीके से, जो आपका प्लेन टेबल है वो प्रॉपर तरीके से हॉरिजॉन्टल में आया है कि नहीं आया है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंट्रोल आपको मिला है कि नहीं मिला है, या हॉरिजॉन्टल तरीके से आपको यहाँ पर ड्रॉइंग शीट आपकी रखी हुई नहीं रखी हुई है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर मैपिंग या प्लॉटिंग करेंगे तो प्लॉटिंग सही से हो पाएगी, ठीक है, साइटिंग के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो मैपिंग सही हो जाएगी, इसका मतलब साइटिंग से सही से हो जाएगी, ठीक है, तो जो आप जो देखना चाह रहे हैं उसको सही तरीके से देख पाएंगे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल भी आप लोगों को दिखना है कि बिल्कुल जरूरत है। देखो अगर देखो छोटा मोटा एरिया होता है ना, जब कहते हैं ना बिल्कुल छोटा सा एरिया है तो हम अंदाजे से ही कर लेते हैं, तब आपको कोई बबल ट्यूब वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है, अगर छोटे मोटे एरिया में करना है आपको सर्वे प्लेन टेबल सर्वे तो ठीक है, बस अंदाजा लगाया, अंदाजे के थ्रू आपने देख लिया कि हाँ चलो ठीक है हो गया लेवल, बस ठीक है इतनी सी बात है। लेकिन जो बड़ा एरिया हो जाता है ना तो बहुत दिक्कतें आती हैं इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पर वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है किसके ऊपर, कि सब बबल ट्यूब जो है आपके पास स्लगिश या डिफेक्टिव आपको नहीं देखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्लगिश या डिफेक्टिव बबल ट्यूब के बाद, नेक्स्ट है ड्रॉइंग शीट, ड्रॉइंग शीट बींग ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट है, ड्रॉइंग शीट खराब है तो कोई दिक्कत उसमें ड्रॉइंग शीट की ही गलती है ना, पुअर क्वालिटी की अगर निकल के आएगी तो कल को आप पेंसिल थोड़ी सी ज्यादा खींची और दिक्कत आ गई आपके, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चलो देखो, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे पर्सनल एरर्स, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे पर्सनल, या ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके सामने ह्यूमन एरर्स, ठीक है, अब यह आपकी और मेरी एरर की बात हो रही है, ठीक है, पर्सनल एरर्स या आपकी और मेरी एरर्स, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो देखो सबसे पहली एरर जो आपके पास यहाँ पर आप कर सकते हो, सबसे इजी सी बात है, सेंटरिंग करने में आपने दिक्कत कर दी, ठीक है, ओ पॉइंट को जहाँ पर सेंटर करना था, देखो ये मैंने कह दिया आप लोगों से, ये प्लेन टेबल है, ये ट्राईपोर्ड के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर है आपके पास ओ पॉइंट है, आपको क्या करना था, आपको बस शांति से प्लम्बिंग फोक लगाना था, ये प्लम्बिंग फोक लगाना था, ठीक है, ये प्लम्बिंग फोक लगा दिया, ठीक है, लेकिन आपने प्लम्बिंग फोक यहाँ पर लगाया और आपके पास जो पैग लगा हुआ है ग्राउंड के अंदर वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो इज इट ओके और इट इज नॉट ओके, तो ये ओके है या नॉट ओके वाली कंडीशन है, नॉट ओके वाली कंडीशन है ना, तो अगर यदि आपने यहाँ पर ये जो ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को अगर आपने ढंग से नहीं किया ना, पूरे तरीके से अगर आपने सेंटरिंग नहीं करी तो इसमें आपकी गलती है, ठीक है, इसमें आप ये नहीं कहेंगे सर इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट सही लेके आए थे, आप इन्हें क्या कर दिया, पैक को साइड में रखा रहने दिया, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर दिक्कतें दे देता है कभी कभी, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्या रखना चाहिए, याद रखना है कि सर सेंटरिंग जो करो सेंटरिंग बिल्कुल एग्जैक्ट करो, ठीक है, एग्जैक्ट सेंटरिंग होनी चाहिए, ओ पे रखा है तो ओ के ऊपर एग्जैक्ट पोजीशन आना चाहिए, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, तो उनकी जो भी प्लॉटेड लोकेशन है, जो भी उनकी प्लॉटेड पोजीशन है, उन प्लॉटेड पोजीशन के ऊपर ही आपको क्या रखना है, उनको ऊपर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से। सबसे पहली दिक्कत आती है आपके पास सेंटरिंग एरर, ठीक है, सबसे पहली आती है सेंटरिंग एरर, इसको बताने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, ये आप यहां पर खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है, सेंटरिंग एरर के बाद सेकंड आ सकती है आपके पास लेवलिंग एरर, लेवलिंग एरर है ना, लेवलिंग एरर कैसे आई मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लेवलिंग नहीं है, आपके पास बबल ट्यूब सेंटर में नहीं आ रखा, छोटे मोटे एरिया का काम तो चल जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा एरिया हुआ तो साइटिंग करने में दिक्कत आ जाएगी आपको, है ना, तो लेवलिंग एरर भी आपके पास हो गए। थर्ड नंबर पर जाएं आप, यहाँ पर थर्ड नंबर पर देखो आपको थर्ड नंबर पर प्रॉब्लम आ सकती है, आपने ओरिएंटेशन ढंग से नहीं किया, थर्ड नंबर पर आ सकती है सर आपने ओरिएंटेशन ढंग से नहीं, ओरिएंटेशन ढंग से नहीं किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, मैप गलत बनेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, दोबारा सर्वे करने आना पड़ेगा और क्या है ना, उसमें क्या है सर 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया का दोबारा सर्वे कर लेंगे, है ना, कर लोगे नहीं चलेगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको उसकी जो प्रीवियस स्टेशन की जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे आपको यहाँ पर सेट करना होता है, किसको, ये पैरेललिज्म के प्रिंसिपल को जब तक फॉलो नहीं करोगे मैप बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट नहीं बन के आएगा, ये बात मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया ना आप लोगों को, ठीक है, सेंटरिंग होगी, ओरिएंटेशन होगी, और नेक्स्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर एरर ड्यू टू इंस्टेबिलिटी ऑफ ट्राइपोड। अब मान लो ट्राइपोड स्टेबल नहीं है, ट्राइपोड क्या है, ट्राइपोड आप थोड़ा सा ऐसा लिया है जो थोड़ा सा खराब सा था, उसके एक लेग के अंदर क्या होता था कि थोड़े टाइम तक रखते थे तो लेग थोड़ा सा अंदर चला जाता था, यानी कि टेबल अभी तो ऐसी है, ट्राइपोड खराब है, थोड़े टाइम तक यहाँ पर रखा, हल्का सा हाथ रखा आपने उसके टेबल के ऊपर, ट्राइपोड अंदर चला गया, ठीक है, स्टेबल नहीं है ट्राइपोड, ठीक है, कुल मिला के, है ना, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है कि उसके सर पुराना सा ट्राइपोड उठा ला है, बहुत पुराना उठा ला है सर आप, है ना, मतलब खराब सा ही था लगभग, है ना,
तो इनस्टेबिलिटी दे देगा ट्राइपोड, ट्राइपोड की वजह से प्लेन टेबल हिला, प्लेन टेबल हिलते पूरा मामला खत्म, और क्या चाहिए आपको, है ना, हो गया बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट हो सकती है आप यहां पर ले लो, ठीक है। तो देखो यहां पर जो ट्राइपोड है ना, ट्राइपोड का एरर आपका एरर है, क्योंकि इनस्टेबल अगर यदि आपने ट्राइपोड किया है तो वो आप ही की गलती है, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी ऑफ द ट्राइपोड वाली गलती ह्यूमन एरर के अंदर ही कंसिडर होगी, ठीक है, ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। इनस्टेबिलिटी ऑफ ट्राइपोड आप ही की गलती है, आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, उसको इनस्टेबल कर दिया, ठीक है। तो इनस्टेबल तरीके से आपने या तो स्टेबल तरीके से लगाया नहीं, या फिर आप ट्राइपोड ऐसा लेके जा रहे हो कि उसको थोड़ा सा आप लगा के जा रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। तो गलती कुल मिला के आप ही की होती है ट्राइपोड वाली, ठीक है, क्योंकि ट्राइपोड को आपको सही तरीके से आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए, ठीक है। साइटिंग एरर जो है ये आप ही ने की होगी, देखो साइटिंग अगर गलती की है तो साइटिंग वाली गलती इसमें इंस्ट्रूमेंट का डिफेक्ट, आपको साइटिंग करनी नहीं आई, है ना, तो साइटिंग वाली एरर भी किसकी, आप ही की एरर है। ओरिएंटेशन आपको करना नहीं आया तो ओरिएंटेशन की एरर आपकी, लेवलिंग आपने ढंग से नहीं करी तो लेवलिंग की एरर आपकी, सेंटरिंग आपने ढंग से नहीं करी, सेंटरिंग की एरर आपकी है। इंस्टेबिलिटी ऑफ ट्राइपोड की एरर आपकी है, साइटिंग ऑफ द एरर ये भी आपकी है। इसके अलावा अगर मैं लिख दूं आप लोग सामने, प्लॉटिंग की एरर अगर आप करोगे तो प्लॉटिंग की एरर भी आपकी है, ठीक है। अब ए पॉइंट को लिखना है यहां पर, ये बनाना है आपको, है ना, ये आपको ओ ए लिखना है इतना, आप यहां पर इससे 2 mm कम पे ए लिखा है, सब सही किया है आपने, है ना, सब कुछ सही किया हुआ है। ओ ए इतना निकल के आ रहा है, आप वहां पर प्लॉट इतना सा करके आ गए मैप के ऊपर, तो इसकी गलती है, हमारी गलती है, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रख लेने, थोड़े से एरर पर्सनल एरर के अंदर कर दिया, ठीक है। अब देखो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसके लिए तो आपको इंस्ट्रूमेंट ढंग का लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को सुधारने का एक ही तरीका है कि इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दो, ड्रॉइंग शीट अच्छी क्वालिटी की ले आओ, बबल ट्यूब अच्छी ले आओ, स्लगिश मत रखो, ठीक है, इसको सही कर दो, इसको सही ले आओ आप, है ना, प्लेन टेबल का क्लेम को आप लूज नहीं है तो फिर थोड़ा सा सही कर दो, ठीक है, आप टाइट रखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पर, या फिर टाइट वाला क्लैंप वाला ले आओ आप, है ना, ठीक है। साइटिंग वेंस अगर नहीं है तो साइटिंग वेंस को आप यहाँ पर एलिडेट चेंज कर दो, फिजिशियल एज अच्छा नहीं है उसका, उसको एलिडेट चेंज कर दो। आप यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर प्लेन नहीं है सरफेस ऑफ द प्लेन टेबल, तो प्लेन टेबल चेंज कर दो, ठीक है। तो इसमें तो इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सनल एयर्स के अंदर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर लिख लो आप लोग टू अवॉइड पर्सनल एयर, टू अवॉइड पर्सनल एरर्स, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है टू अवॉइड पर्सनल एरर, सबसे पहला पॉइंट लिखो, पानी पी लेता हूँ यार, सबसे पहला सेट ट्राइपोड ऑन फर्म ग्राउंड, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो इनस्टेबिलिटी आ रखी है आपको यहां पर, उसके लिए आप क्या करोगे सर, ट्राइपोड को आप यहां पर स्टेबल या फर्म ग्राउंड के ऊपर आप यहां पर रखें। इंस्टेबिलिटी किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है, इंस्टेबिलिटी आपकी लेग खराब होने की वजह से हो सकती है, स्टेबिलिटी हो सकता है वहां पर आपके पास मिट्टी हो, मिट्टी के अंदर धस गया हो आपका टाइम के साथ साथ, है ना, तो फर्म ग्राउंड के ऊपर आप यहां पर रखेंगे तो इसके चांसेस हैं कि सर ठीक है वहां पर कम से कम मिट्टी के अंदर तो नहीं धसेगा आपके पास, है ना, ठीक है। तो यहां पर ये आपके पास हो सकता है पर्सनल एरर से आपको बचाना है, तो फर्म ग्राउंड के ऊपर आप यहां पर क्या करते हैं ट्राइपोड को आप यहां पर सेट कर दें। सेकंड है डू नॉट अप्लाई अनड्यू प्रेशर ऑन प्लेन टेबल। देखो अगर प्लेन टेबल पे आपने थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाया तो वापस से इंस्टेबिलिटी ऑफ ट्राइपोड आ जाएगी आपकी, ठीक है, फिर से आपके पास क्या होगा टेबल इधर उधर हो जाएगी, ठीक है, अनड्यू प्रेशर अगर आपने लगा दिया तो, ठीक है। तो ट्राइपोड भी हो सकता है ट्राइपोड चला जाए, हो सकता है आपके पास प्लेन टेबल जो है वहां से जो आपने क्लेम किया हुआ है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, ना खराब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी ऑफ ट्राइपोड से भी आप समझ सकते हो, आप कैसे भी समझ लो, आपको यहाँ पर जैसे भी समझना है, ठीक है। बट क्या करना है आपको अनड्यू प्रेशर नहीं लगाना, अनड्यू प्रेशर का मतलब है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर और इजी लैंग्वेज में लिख लो आप, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है। ये ट्राइपोड है, ट्राइपोड के ऊपर से यहाँ से आपने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर हाथ रख दिया आपने ना, जोर से हाथ रख दिया, ठीक है, इधर 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 नहीं रखा हुआ आप लोगों ने, क्या होगा बताओ, भगवान जाने क्या होगा, है ना, ठीक है, देख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास कि यूज शार्प एज्ड पेंसिल, ठीक है। देखो दो पेंसिलें बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है,
जब आप इससे ड्रॉ करोगे और इस तरह की थोड़ी आप यहाँ पर शार्प एज पेंसिल को नहीं यूज करोगे ना, तो वो जो आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने जाओगे तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। जो प्लोटेशन आपका होता है ना, प्लोटेशन जो थोड़े से बड़े एरिया का होता है, तो थोड़ा सा भी इधर से उधर होती है ना लाइन आपकी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दी थी, क्योंकि इतनी ज्यादा स्केल पर बनी हुई होती है, थोड़ी सी ज्यादा स्केल पर बनी हुई होती है। और हमने यहाँ पर पहले ही बात कर चुके हैं कि आप यहाँ पर जब स्केल यूज करते हैं तो स्मॉल स्केल से लेके मीडियम स्केल तक आप यहाँ पर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो एरिया स्मॉल स्केल का मतलब एरिया थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं आप, है ना, ठीक है। तो एरिया थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि सर थोड़ा सा एरिया में भी चेंज हुआ ना, तो पेंसिल का थोड़ा सा जो आप यहाँ पर कहते हैं थोड़ी सी मोटी पेंसिल अगर आप यहाँ पर यूज करोगे, थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर कर जाती है, तो आपको पता नहीं चलता एग्जैक्ट पॉइंट, है ना, ठीक है। तो इसका भी आपके पास बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है आप लोगों को, इसलिए शार्प एज पेंसिल को यूज करें तो प्लॉटिंग की एरर ज्यादा नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। प्लॉटिंग थोड़ी सी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली बात भी आप लोग समझ गए हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जब फिजिशियल एज के बिल्कुल पास से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल अच्छा आसानी से आपके पास ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ड्रॉ करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेते हैं, तीन पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट लिख देना। नेक्स्ट लिखें रिक्वायर ऑल द केयर टू ड्रॉ रेज करेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्टली आपको रे भी ड्रॉ करनी है, साथ के साथ शार्प एज पेंसिल को यूज करते हुए आपको जो रे ड्रॉ करनी है वो रे भी आपको करेक्टली ड्रॉ करनी है। रे की ड्रॉ करने में आप बिल्कुल यहां पर नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेना प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग जब भी आप साइटिंग वगैरह कर रहे हैं तो साइटिंग की एरर आपकी ऐसी हटेगी, आप कॉन्सेंट्रेशन होकर अगर आप काम नहीं करेंगे ना, मन नहीं लगेगा ना आपका, जब दिल से नहीं निकलेगा प्लेन टेबल सर्वे करना है तब तक नहीं हो पाएगा आप लोगों से, है ना, तब थोड़ी बहुत एरर कर देगा, अरे यार क्या ठीक है हो गया ओरिएंटेशन, ठीक है। ऐसा नहीं करना कभी भी, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, बाकी आप लोगों को पसंद तो आए होगा वीडियो, बाकी बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।